हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी लिफ्टिंग। मैं आपका होस्ट नंदिश, और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू ब्रेक शुगर एडिक्शन। बने रहिए वीडियो पे, आई विल बी राइट बैक। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में शुगर क्या है? शुगर इज अ सब्सटेंस दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बी। आपने देखा होगा शुगर इज एडिक्टिव इन नेचर। तो शुगर, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो शुगर एडिक्टिव क्यों है? शुगर इज़ एडिक्टिव बिकॉज ऑफ डोपामीन। डोपामीन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है, उसकी वजह से शुगर इज़ एडिक्टिव। जब भी हम शुगर खाते हैं तो डोपामीन रिलीज़ होता है। साइंटिस्ट ने एक ड्रग एडिक्ट एंड शुगर एडिक्ट के ब्रेन को जब टेस्ट किया तो उनके ब्रेन का जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। तो साइंटिस्ट ने तब बोल दिया था कि शुगर एडिक्ट एंड ड्रग एडिक्ट बोथ आर इक्वलेंट टू देम। साइंटिफिक लैंग्वेज के अनुसार जो शुगर एडिक्ट है और ड्रग एडिक्ट है, उन दोनों को सेम माना जाता है। तो आप शुगर को इग्नोर करें, बहुत ही ज़्यादा मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू 7 steps टू ब्रेक डाउन शुगर एडिक्शन। हम कैसे अपनी शुगर एडिक्शन को कम कर सकते हैं? पहला है ब्रेड एंड पास्ताज। ब्रेड एंड पास्ताज कैसे? देखो, जब शुगर की बात आती है ना तो हम नेचुरली क्या करते हैं, लोग सोडाज़, कोल्ड ड्रिंक्स एंड चॉकलेट कैंडीज़ उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मार्केट से ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, पास्ताज खा लेते हैं। लेकिन डोपामीन के अकॉर्डिंग उन दोनों चीज़ों का, देखो कोल्ड ड्रिंक कैंडीज़ पास्ताज एंड ब्रेड का इफ़ेक्ट सेम है। बॉडी को तो डोपामिन मिल ही रहा है ना। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो भी मिलेगा, अगर आप पास्ता खा रहे हो तो भी मिलेगा। तो आप ब्रेड और पास्ताज को भी अवॉइड करो, ऐसे फूड को अवॉइड करो, जंक फूड को अवॉइड करो, क्योंकि यार कोल्ड ड्रिंक छोड़ने से कुछ नहीं होगा। शुगर की अमाउंट है वो बॉडी में कम हो जाएगी ज़रूर, लेकिन शुगर एडिक्शन ही कम होने वाली। यू आर रेडी टू ब्रेक एडिक्शन फ्रॉम शुगर, तो पहले आप अपनी बॉडी और ब्रेन को समझ लें। देखो, जो बंदा अल्कोहल ड्रिंक करता है हम उसको अल्कोहलिक नहीं बोल सकते, और जो बंदा डेजर्ट खा रहा है हम उसको शुगर एडिक्ट नहीं बोल सकते। डेजर्ट का मतलब होता है खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना। लेकिन जो रोज़ खा रहा है उसको हम शुगर एडिक्ट बोल सकते हैं, और जो रोज़ पी रहा है उसको हम अल्कोहलिक बोल सकते हैं। जो ये चीज़ें ओकेजनली कर रहा है वो नहीं होता। तो वी आर द इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट ब्रेन केमिस्ट्री। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप पहले अपनी एडिक्शन को चेक कर लें कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रसगुल्ले को सोचने से आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, तो यू आर शुगर एडिक्ट। तो इसको बोलते हैं, आप देख लें कि आपको कैसी एडिक्शन है, कितनी एडिक्शन है। सिर्फ सोचने से मुंह में पानी आ रहा है तो यू आर शुगर एडिक्ट, यू नीड टू वर्क ऑन योर शुगर एडिक्शन। तो मैं आपको तो थर्ड पॉइंट है, यू नीड टू डीटॉक्स। डीटॉक्स का मतलब है आप शुगर से दूर रहें, बिल्कुल ही दूर, कट ऑफ। डीटॉक्स का जो प्रोसेस है वो 3 से 21 दिन का होता है। इसमें आपने बिल्कुल भी शुगर नहीं खानी, मोस्टली आपने लिक्विड फूड्स लेने होते हैं, जैसे लेमन वाटर एंड एक्सेट्रा। आप गूगल पे चेक कर सकते हो डीटॉक्स डाइट कैसी होती है, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। डीटॉक्स डाइट के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही हेल्दियर एंड हैप्पियर होगा। आपकी बॉडी को, आपका मेंटल स्टेट जो है वो बहुत ही हेल्दी और एक खुशी वाला मूड रहेगा, आपकी शुगर एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। फोर्थ टिप आपको देना चाहूँगा, बिकम ए न्यूट्रिशन निंजा। न्यूट्रिशन निंजा मतलब जो भी आप मार्केट से बाय करते हो, जो पैक्ड सब्सटेंस बाय करते हो, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेड बाय करा, तो ब्रेड के पीछे जो न्यूट्रिशनल लेबल होता है उसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि उसमें कितना शुगर है, कितना उसमें उतने अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, और कितना शुगर है। अगर आप डिटॉक्स कर रहे हो तो आपको ज़ीरो शुगर रखना है, लेकिन आप अगर बाय कर रहे हो शुगर वाली चीज़ और उसको ध्यान में नहीं रख रहे तो वो डिटॉक्स नहीं माना जाएगा। अगर आप नोटिस करना शुरू कर दो आज ही से न्यूट्रिशनल लेबल्स, तो आप देखोगे बहुत ही कॉमन चीज़ों में जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि शुगर होगा, उसमें भी शुगर होगा। जैसे प्रोटीन बार्स में भी शुगर होगा, और जैम में, जो चीज़ें डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना शुगर है। तो आपको बैलेंस्ड मील्स खानी स्टार्ट करनी पड़ेंगी, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो और फैट्स हो, हेल्दी फैट्स हो। बैलेंस्ड मील्स इज इक्वल टू स्टेडी लेवल ऑफ शुगर इन योर बॉडी, इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो अगला पॉइंट मेरा होगा हेल्दी योर गट। गट का मतलब होता है जहाँ पे हमारा सब कुछ जाके डाइजेस्ट होता है। तो आप अपने गट को हेल्दी बनाएं। साइंटिस्ट ने एक
स्टडी की थी, जो लोग चॉकलेट के एडिक्ट हैं उनके अंदर डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया पाए गए, जो सिर्फ उनके ही अंदर हैं जो शुगर एडिक्ट हैं, जो चॉकलेट एडिक्ट थे, तो जो शुगर एडिक्ट हैं उनके अंदर, उनके गट के अंदर प्रॉपर बैक्टीरियाज बन जाते हैं, जो शुगर क्रेविंग ऑटोमेटिकली होने लग जाती है, तो बंदा नेचुरली शुगर एडिक्ट हो जाता है। तो यू कैन स्टार्ट बाय पेइंग अटेंशन ऑन योर गट हेल्थ, वो आप कर सकते हो हेल्दी मील्स खाने के साथ, बैलेंस्ड मील्स जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स हो, और अपना प्रोसेस्ड फूड मत खाएं, उनको छोड़ दें प्रोसेस्ड फूड खाने, और आप हेल्दी प्रोबायोटिक लेने स्टार्ट कर दें। जो आर्टिफिशियल जो मार्केट से प्रोबायोटिक नहीं बाय करना चाहते मेडिसिन की फॉर्म में, वो कर्ड खाना स्टार्ट कर दें। दही में भी लैक्टोबैसिलस मिलता है, वो भी एक प्रोबायोटिक है। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट अबाउट हनी, शहद के बारे में। देखो यार, शहद के चलो माइल्ड हेल्दी बेनिफिट्स होंगे, लेकिन वो भी एक शुगर ही है। आपको डीटॉक्स पीरियड के वक्त हनी को भी छोड़ना होगा, शहद को भी छोड़ना होगा, वो भी एक, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ शुगर। शुगर का ना एक फंडा होता है सिंपल सा, जितनी आप शुगर लोगे उतनी आपको क्रेविंग होगी और आपकी शुगर कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। तो शुगर एडिक्शन को कम करने का तरीका देख सकते हो, मैंने काफ़ी टिप्स दे दी हैं। डीटॉक्स करो, अगर आपकी शुगर क्रेविंग नहीं ख़त्म हो रही तो आप आर्टिफिशियल शुगर यूज़ करो, लेकिन डीटॉक्स करना बेटर रहेगा। आप 3 से 21 दिन बिल्कुल ही शुगर से कट ऑफ कर दो, जितनी देर तक आप रह सकते हो। 1-2 दिन आपको शायद प्रॉब्लम आए, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट रेड ऑफ शुगर एडिक्शन। देखो यार, शुगर एडिक्शन बहुत ही गंदी चीज़ है, ये एक बीमारियों का घर है। तो आप जितना दूर रहो ना शुगर, आर्टिफिशियल शुगर से स्पेशली, तो उतना ही अच्छा रहेगा। प्लीज, मोर शुगर इज़ इक्वल टू मोर क्रेविंग्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है, डीटॉक्स में खाएं तो खाएं क्या शुगर के रिलेटेड? तो आप फ्रूट्स खा सकते हो जो कि नेचुरल शुगर है। हनी भी नेचुरल शुगर, लेकिन उसके अंदर फाइबर नहीं है, उसके अंदर वाटर नहीं है, उसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स नहीं है। तो फ्रूट्स आप खा सकते हो जो कि नेचुरल शुगर है, जिसके अंदर पानी मिलेगा आपको, विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। तो फ्रूट्स आर गुड रिप्लेसमेंट जिनको अभी शुगर एडिक्शन छोड़ने में हेल्प चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। आर्टिफिशियल स्वीटनर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बात शुगर फ्री की। शुगर फ्री लेनी चाहिए, या काफ़ी टाइम पहले एक स्टडी आई थी कि आर्टिफिशियल शुगर खाने के साथ शुगर क्रेविंग बढ़ जाती है एंड दिस लीड्स टू कैंसर। लेकिन रिसेंटली एक स्टडी आई है कि आर्टिफिशियल शुगर डज नॉट लीड टू कैंसर। ये आप खा सकते हो, शुगर फ्री को आप ले सकते हो, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिन्होंने शुगर एडिक्शन को छोड़ना है। जिन्होंने ये रिसर्च की थी उनका नाम है द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल शुगर क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 1, आपको भूख कम लगेगी, आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे। शुगर एडिक्शन इज़ वेरी बैड, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप अपने गट पे ज़रूर वर्क करें, आप प्रोबायोटिक्स अपनी बॉडी में ऐड करना शुरू करें। मैं अगर हर वीडियो में भी कहना चाहूँ ना, तो मैं एक ही बात कहूँगा, आप अपने गट पे ज़रूर हेल्थ करें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही सब कुछ है जो न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपका गट नहीं अच्छा तो आपका मसल भी नहीं ग्रो करेगा, आपकी बॉडी भी नहीं ग्रो करेगी, आपका ब्रेन भी नहीं ग्रो करेगा। तो मेक श्योर यू मेक योर गट हेल्दी, अवॉइड शुगर, आर्टिफिशियल शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, बाहर का खाना सब बंद कर दें, और पैकिंग जो न्यूट्रिशन लेबल होते हैं उनको ध्यान से पढ़ें और समझें, फिर बाय करें उस चीज़ को। मेक श्योर कि अगर आप डिटॉक्स कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका होस्ट जल्दी आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।